नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज मैं बताऊंगा कि आयुष्मान मित्र भर्ती योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है और आवेदन कब कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो पूरा देखना और लास्ट तक देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वैकेंसी की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आयुष्मान मित्र भर्ती योजना क्या है? तो यहाँ पर बताया गया है इस योजना का नाम आयुष्मान मित्र भर्ती योजना है और इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के द्वारा आयुष्मान मित्र की भर्ती की जाएगी और बहुत से रोजगार भी मिलेगा। और इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि पहले चरण में इस वित्त वर्ष के अंत तक करीब 1 लाख आयुष्मान स्वयंसेवकों की नियुक्ति हो जाएगी और इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी करीब 60,000 नौकरियों का भी सृजन किया जाएगा। और सरकार की तरफ से आयुष्मान मित्र को सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए तैनात भी किया जाएगा। सबसे पहले उससे लाभार्थी के दस्तावेजों की जांच पड़ताल भी करनी होगी और मरीज को अस्पताल में भर्ती भी कराएगा। और उपचार होने के बाद आयुष्मान मित्र है वो मरीज के बिलों को क्लियर भी कराएगा। आयुष्मान मित्र भर्ती योजना के लिए योग्यता क्या है? तो यहाँ बताया गया है कि आयुष्मान मित्र बनने की न्यूनतम योग्यता है 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है। और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है और 30 साल के आसपास के लोगों को वरीयता दी जाएगी। और वही आयुष्मान मित्र की न्यूनतम उम्र है वो 18 साल भी होगी। और अगस्त माह से आयुष्मान मित्रों की होगी ट्रेनिंग। तो अगस्त में हर जिले से एक एक ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों पर आयुष्मान मित्रों की ट्रेनिंग होगी। और इसके बाद मंत्रालय एक परीक्षा लेगा और पास होने वाले आयुष्मान मित्र बनने की योग्यता का प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके बाद राज्यों में ज़रूरत के अनुसार तैनाती होगी और सरकारी अस्पतालों में तैनात आयुष्मान मित्रों को हर लाभार्थी पर 50 रुपये इंसेंटिव भी मिलेगा और इसी वित्त वर्ष में 20,000 तैनात होंगे। आयुष्मान मित्रों को करने होंगे ये काम। आयुष्मान मित्र हैं कौन कौन से काम कर सकते हैं बताए गए हैं कि आयुष्मान मित्र हैं भारत पोर्टल की पूरी जानकारी हासिल करनी होगी और मरीजों को लाभ देने के लिए तैयार हो रहे सॉफ्टवेयर पर काम करना होगा। QR कोड के अनुसार लाभार्थी के पहचान पत्र की सत्यता भी जांचनी होगी। जिस अस्पताल में मरीज का इलाज होना है उसे इसकी जानकारी देनी होगी और मरीज डिस्चार्ज होने के बाद इसकी जानकारी स्टेट एजेंसी को देनी होगी। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वो अगस्त माह से शुरू होगी जिसके द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, अपने ट्रेनिंग में पास होकर आयुष्मान मित्र भी बन सकते हैं। और इस तरह आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।